नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों को युद्ध से बचना चाहिए। संत उमाकांत जी महाराज पूर्व में भी महाराज जी कर चुके हैं आगाह, जब गृह युद्ध में नहीं बचते तो विश्व युद्ध में कौन बचेगा। पूरी मानवता के सच्चे हितैषी आगामी संकटों से सबको आगाह करने वाले और बचने के उपाय भी बताने वाले इस समय के महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 1 अक्टूबर 2020 को उज्जैन आश्रम से दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM चैनल पर प्रसारित संदेश में कहा कि मैं बराबर कहता रहता हूं, युद्ध से बचें। पूरा देश और भारत ही नहीं विश्व के जितने भी देश हैं सबको युद्ध टालना चाहिए। युद्ध के समय कई अधिकार खत्म हो जाते हैं। यदि ब्लैकआउट हुआ तो बिजली पानी की समस्याएं होंगी। जब अन्न नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक आदमी जिंदा रहेगा। चलते चलते वही खत्म हो जाएगा, कहीं आ जा नहीं पाओगे। लोगों ने जिस पैसे को कमाने के लिए ईमान बेच दिया, क्या कोई गारंटी है कि इमरजेंसी में वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई बुरा कर्म मत करो जिसकी वजह से सजा भोगना पड़े। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये कर्मों की सजा ही है, इनसे बचो। पूर्व में भी महाराज जी इस बारे में कह चुके हैं। 22 नवंबर 2020 को महाराज जी ने उज्जैन आश्रम में दिए संदेश में बताया था कि आगे का समय भारत पूरे विश्व के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। विश्व के लोगों को आभास हो गया है कि हमारी जिंदगी इस समय तलवार पर चलने की तरह से है। बारूद के ढेर पर हम खड़े हैं, कभी भी हम खत्म हो सकते हैं। सक्षम सबल देशों में अगर लड़ाइयां शुरू हुई, इन्होंने अपनी अगर प्रैक्टिस का मुद्दा बनाया तो छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई फिर विश्व युद्ध बन जाएगा। जब छोटे युद्ध गृह युद्ध में, जब घर की लड़ाई में नहीं बचते हैं तो विश्व युद्ध में कौन बचेगा। तब यह धन दौलत पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा किसी के काम नहीं आएगा। इस समय अपनी और दूसरों की भी जान बचाने का सोचने समझने का अवसर मिला है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि युद्ध से बचे पूरा देश और भारत ही नहीं विश्व के जितने भी देश हैं सबको युद्ध टालना चाहिए। युद्ध से, लड़ाई से, जंग से बचना चाहिए। आप ये समझो, और अगर कहीं लड़ाई हो गई तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, आपका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा, आपकी जो स्वतंत्रता है यानी वो सब खत्म हो जाएगी। ना आपको अपने इस कानून के अंतर्गत जिस पर आप सड़क पर चलते हो, आपको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं रहेगा। कह दिया खाली कर दो, सड़क पर कोई जाएगा नहीं, मिलिट्री की गाड़ियाँ जाएंगी, फौज जाएगी, तो आपको कोई चलने देगा, रोक ले जाओगे। आज ये समझो कि कितना भी आप लाइट लगवा लो, कितना भी आप अपने कोठी को मकान को सजावट करवा लो, लेकिन अगर आदेश हो गया कि ब्लैकआउट हो रहा है और कोई लाइट नहीं जलाएगा तो अंधेरे में आपको रहना पड़ेगा। आप ये समझो कि बिजली अगर काट दी गई या बिजली कहीं फेल हो गई, यानी समझो लाइन टूट गई, तो पानी पी नहीं पाओगे। कुएं और तालाब तो अब रहे नहीं, अब तो कुओं को लोगों ने बंद कर दिया, तालाबों को बंद कर दिया। आप समझो कोई ध्यान नहीं है तो पानी कहाँ मिलेगा, पानी कैसे पियोगे। 80 मंजिल, 90 मंजिल, 100 से ऊपर मंजिल के मकान बने हुए हैं, कोई सीढ़ी चढ़ करके जा सकता है कि सीढ़ी पर से अन्न उतर करके नीचे आ सकता है। जो जहाँ है वहीं लटका रह जाएगा। जैसे आप ये समझो कि रास्ते में जा रहे हो और ऐसे तार हैं बिजली के, तो उनमें देखते होगे पक्षी फंस जाते हैं तो ऐसे लटके रहते हैं, ऐसे आदमी लटक जाएगा। कितना दिन तक जिंदा रह सकता है बगैर पानी के, बगैर अन्न के कितना दिन जिंदा रह सकता है। शरीर तो कमज़ोर होगा ही, उतरते उतरते सीढ़ी पर ही गिर जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। अभाव समझो कि कहीं अगर बम गिर गया और समझो धरती फट गई, रास्ता बंद हो गया, सामने ऐसे दिखाई पड़ेगा कि गांव है, आबादी है, हम शहर की तरफ आए थे, हमको अपने गांव जाना है, लेकिन गांव नहीं पहुंच पाओगे, शहर नहीं आ पाओगे। तो अब आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ें हैं, रुपया पैसा जिसको आप कहते हो, आप ये समझो कि ये मेरा है, आप दूसरे को धोखा दे देते हो, बेईमानी कर लेते हो, आप ठगी कर लेते हो, यानी समझो कि पैसा कमाने के लिए आप अपनी ईमान को ख़त्म कर देते हो, बेच देते हो,
यानी समझो पाप का डालते हो, इसे शरीर का, शरीर से पाप का डालते हो। पैसा रुपया भी बैंक का, जब इमरजेंसी लगती है तो मिलने की गारंटी नहीं रहती है। अगर मान लो बहुत छूट दे दिया, बहुत कुछ कर दिया, पैसे की कमी हो गई, खर्चा ज़्यादा हो गया, आप पे समझो नुकसान हो गया, तो यानी समझ लो कि कागज भले बना करके आपको दे दें कि ये FD अब आपकी और बढ़ा दी जा रही है, लेकिन हाथ में कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बुरा कर्म मत करो कि जिसकी वजह से सजा भोगना पड़े। ये लड़ाई झगड़ा और ये दंगा, ये फसाद, ये क्या है? ये कर्मों की सजा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें यहाँ की हैं, इस धरती की जो चीज़ें हैं, आपकी अपनी कुछ नहीं है।